Hello everybody, welcome to our YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra, NEET UG Biology Educator, your PM ma'am. And aaj hum is series ko continue karte hue NCERT exemplar ka 5th chapter karne wale hain. To morphology of flowering plant naam ka ye chapter hai jisme hum bilkul MCQ very short short long turant complete karenge taki ek bhi concept aisa na rahe जो नीट में आ सकता है और आप उससे बचे रह जाए, है ना. सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगी इसमें. हेलो एवरीबॉडी, आ गए हैं क्या मेरे सभी क्यूटी पटूटी स्टूडेंट्स, आ गए हो क्या. हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग. तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं. बिल्कुल, तो सबसे पहले इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पर इस वाले सेशन का PDF आप लोगों को मिलने वाला है. एंड जल्दी से अपने दोस्तों को बता दो यार कि मैम इज़ लाइव, तो जल्दी जल्दी आ जाए ताकि हम जल्दी जल्दी सेशन शुरू कर दें. चलो, तो हम करने वाले हैं चैप्टर 5th, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 1 से आज का सेशन हम शुरू करते हैं. आ जाओ सभी लोग दौड़ के भाग के सभी तरीके से, ठीक है. चलो शुरू करते हैं बेटा. हमको रीअरेंज करना है रूट के जोन एक वर्टिकल सेक्शन में, ठीक है. कैसे करना है, एक वर्टिकल सेक्शन में हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे इधर आ जाता है रूट कैप का जोन. फिर इसके ऊपर क्या आता है, जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करते हैं. फिर ये इलोंगेट हो जाते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन. जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जो आता है वो होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, और यहीं पे रूट हेयर्स जो है हमको दिखने लगते हैं. तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ए, है ना, ये सीक्वेंस सही है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ कि एक इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं लेटरली. फ्लावर्स क्या है, लेटरली कैसे है, एक्रोपेटल सक्सेशन में. एक्रोपेटल सक्सेशन में है, तो जो पोजीशन है यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड की क्या होगी, तो यंगेस्ट वाला होगा डिस्टल, सबसे दूर, क्योंकि ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, है ना. तो डिस्टल वाला नीचे रह जाएगा. तो ये वाला जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस बढ़ती जाती है, फ्लावर ऐसे लेटरली आते जाते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में. तो यंगेस्ट फ्लावर एपेक्स पे होता है और ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पर होता है, ठीक है. अनलिमिटेड इनडेफिनेट ग्रोथ यहाँ पर चलती जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पजेस नो एंडोस्पर्म, इनके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं है. बिकॉज इसीलिए नहीं है क्योंकि एंडोस्पर्म इनका यूज हो जाता है. कौन यूज कर लेता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना. जब सीड का डेवलपमेंट चलता रहता है तो एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकल जाएगी तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे एडवेंटिशियस रूट बोला जाएगा. That is known as adventitious root. बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो बेटा और सभी फ्रेंड्स को बता दो कि आ गई है मैम लाइव. क्वेश्चन नंबर 5, वेनेशियन टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब. वेनेशियन टर्म क्या डिस्क्राइब करती है, तो जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आंसर ऑल ऑफ दीज है तो हमको ऑल ऑफ दीज ही लगाना है, ठीक है. वेनेशियन का मतलब होता है कि ये जो लीफ के लेमाइना पे वेन और वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, इन्हें वेनेशन बोला जाता है. 6th पे आ जाओ. एंडोस्पर्म एक प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, एंजियोस्पर्म में किसके सीड्स में एब्सेंट है, ठीक है. तो एंडोस्पर्म प्रोडक्ट जो है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, एंडोस्पर्म है किस में एब्सेंट, तो ऑर्किड में एब्सेंट होता है. इन तीनों में तो एंडोस्पर्मिक सीड्स है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. जो दाल आप खाते हो, जो पल्सेस आप खाते हो, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, तो जो हम पल्सेस खाते हैं ये बिलोंग करती है फेबेशिये को. सोलनेशिये तो पोटैटो फैमिली है, लिलीशिये मतलब लिली फ्लावर वाला, और पोएशिये मतलब सीरियल्स आते हैं इसमें,
और ग्रास आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर दी। प्लेसेंटा डेवलपिंग सीड से कैसे अटैच्ड है? सो इट इज अटैच्ड नियर दी हाइलम। तो प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर हाइलम। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं। ब्लू डाई किससे मिलती है? तो ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इंडिगो वाला रिवॉल्यूशन। हाँ, तो ब्लू कलर की डाई एक प्लांट से मिलती है जिसे इंडिगो फेरा बोला जाता है। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फेबेशिये फैमिली को। बेटा क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? समझ आ रहा है ना सबको अच्छे से? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th में क्या होता है? मैच द कॉलम होना है, तो कॉलम को जरा मैच कर दो। एल्यूरॉन लेयर क्या है? प्रोटीन रिच है, न्यूट्रिशन करेगी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। ओव्यूल जो होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, और एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने सभी MCQs कंप्लीट कर लिए बेटा, अ वेरी नाइस थिंग। अब हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं? अब हम जो कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट पूछता है कि रूट जो है ऑक्सीजन लेती है किससे? हवा से, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर O2 प्रेजेंट नहीं है या O2 की कमी है तो रूट की ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो जो प्लांट मार्श लैंड में ग्रो करते हैं, दलदल वाले गीली गीली जगह पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर कैसे ऑक्सीजन को लाएंगे रूट रेस्पिरेशन के लिए? तो ऐसे एरियाज में जहाँ जो सॉइल है उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंट है क्योंकि पानी पानी है, तो रूट्स क्या करती है? वर्टिकली अपवर्ड ग्रो हो जाती है और ऊपर आ जाती है रेस्पिरेशन करने के लिए। ऐसी रूट्स को न्यूमैटोफोर्स बोला जाता है, जो ऐसे ऊपर आ जाती है। ये कैसी होती है? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स हो जाती है। वैसे तो रूट को अर्थ की तरफ जाना चाहिए, ये अर्थ से अपोजिट आ जाती है सांस लेने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। तो आप बहुत कुछ कुछ लिखा है और यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला बनाना है, जैसे कि बायसेक्सुअल है। तो बायसेक्सुअल के लिए क्या यूज़ होता है? ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है बायसेक्सुअल की, मेल भी है फीमेल भी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल्स 5 है, ये यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, मतलब सिनकार्पस, ठीक है, सुपीरियर और ट्राईकार्पलरी यहीं से पता चलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? कि ओपनशिया में स्टेम मॉडिफाइड होती है फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर में लीफ का फंक्शन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आप कुछ दूसरे एग्जांपल बताओ जो ऐसा चेंज हुए हो फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो पिटियोल होता है वो क्या हो जाता है? लीफ का शेप ले लेता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है? फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी हमको यूफोर्बिया में दिखते हैं। ठीक है, फाइलोड, फाइलोक्लेट्स आपने तो पढ़े हैं ये सारे। फिर कहीं कहीं जो स्टेम होती है ना, 1 इंटरनोड लॉन्ग, ये मॉडिफाई हो जाती है लीव जैसे स्ट्रक्चर में, जैसे कि एस्पेरेगस में, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने लगेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वैम्पी एरियाज मतलब दलदल वाले एरियाज जैसे सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, प्लांट के पास कौन सी रूट होती है? तो वही बेटा, वर्टिकली अपवर्ड रूट आती है। इसे क्या बोला जाता है? इसे न्यूमैटोफोर्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि पिस्चिया है, इकॉर्निया है, लीफ और रूट कहाँ पर मिलेगी? है ना, तो लीफ और रूट रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाकर नोड के पास मिलेगी। इट इज फाउंड नियर दी नोड। नोड से ही तो निकलती है ना बेटा, सब क्या निकलती है? नोड से निकलती है लीफ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, रेटिकुलेट वेनेशन किस में प्रेजेंट होता है? तो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। पैरेलल वेनेशन किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जिंजर एंड अनियन का कौन सा पार्ट एडिबल है? तो जिंजर हो गया, अनियन हो गया, ठीक है, इनमें क्या रहेगा बेटा? तो जिंजर में तो जो रहता है राइजोम रहता है ना, जिंजर में क्या रहता है? राइजोम रहता है, इसके अंदर स्टोर्ड फूड प्रेजेंट रहता है तो ये एडिबल रहता है। और जो अनियन होता है उसमें क्या होता है? फ्लैशी स्केल लीव्स प्रेजेंट होती है जिसे खाया जाता है। एपीगाइनस फ्लावर में ओवरी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो नीचे सिचुएटेड है, किसके? सेपल, पेटल और एंड्रोशियम, है ना, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम के नीचे सिचुएटेड है। अब ये वाले फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाइए, और आपको इस फ्लोरल फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि फेबेशिया का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। अब ये तो यहाँ पर दिया था, यहाँ पे हमको बताना था कि बायसेक्सुअल है, ये दिया था तो हमें पूरा ये कोरोला बताना था, फिर एंड्रोशियम में 1+9 हमको बताना था, और ये रहा गाइनोशियम, ठीक है, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमको कंप्लीट करना था फेबेशिया का फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए, नेम द बॉडी पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, किसमें फूड स्टोर कहाँ पर होता है? ठीक है, तो कैरेट में होता है रूट में, कोलोकेशिया में होता है स्टेम में, स्वीट पोटैटो में होता है रूट में, एस्पेरेगस में रूट में, रेडिश में रूट में, पोटैटो में स्टेम में, दहलिया में रूट में, टर्मरिक में स्टेम में, ग्लेडियोलस में स्टेम में, जिंजर में स्टेम में, और पोचुलिका में रूट में। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज इस क्लास के बाद अब रूट और स्टेम करके चार्ट बना लो कि रूट में कहाँ कहाँ फूड स्टोर्ड है, स्टेम में कहाँ कहाँ फूड स्टोर्ड है। इस तरीके से हमने वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो भी कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम शॉर्ट करने वाले हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं बेटा? पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना। एमसीक्यू करके बच्चे रख देते किताब को, अच्छा बच्चा पूरी पढ़ता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। चलो, दो एग्जाम्पल्स बताओ रूट के जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बने हैं। तो जब कोई रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से बनती है उसे एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। जैसे कि न्यूमेटोफोर्स जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं, स्टिल्ट रूट जो सपोर्ट के लिए होती है, प्रॉप रूट जो सपोर्ट के लिए होती है। बैनियन ट्री में कौन सी होती है? प्रॉप रूट होती है, सपोर्ट के लिए होती है, लोअर नोड ऑफ द स्टेम से डेवलप होती है। शुगर केन में कहाँ पे होती है रूट? लोअर नोड ऑफ द स्टेम से होती है, सॉइल में आती है और स्ट्रेंथ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो रूट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कि सपोर्ट दे और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर ले टेरेस्ट्रियल प्लांट में। कौन सा फंक्शन रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट से रिलेटेड है? तो एक्वेटिक प्लांट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, पानी में ही तो है, वो क्या पानी को एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम आएगी? तो वहाँ पर उसका जो मेन फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है सपोर्ट करना, बैलेंस देना, एनकरेज करना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आप डिफरेंस बताओ एक्वेटिक प्लांट में और टेरेस्ट्रियल प्लांट में, रूट में। तो रूट या तो एब्सेंट होती है या डेवलप्ड नहीं होती एक्वेटिक में, यहाँ पे बढ़िया डेवलप्ड होती है टेरेस्ट्रियल में। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल नहीं डेवलप होंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करना ही नहीं है, प्लांट खुद ही पानी में है, यहाँ पे बढ़िया डेवलप्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी रूट बेटा एक्वेटिक प्लांट में मॉडिफाई होके फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, वहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन और एनकरेज ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, वेनेशन बताना है। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट, रेटिकुलेट वेनेशन इन दी डाइकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक एंजियोस्पर्म का प्लांट है, इसमें कितने फ्लोरल पार्ट होते हैं? इसमें 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं, सीक्वेंस में बताना है और अरेंज करना है, ठीक है। कैलिक्स सबसे बाहर वाला, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स मतलब होते हैं सेपल के वर्ल को कैलिक्स बोलते हैं, जो हरा हरा नहीं होता एक फ्लावर को सपोर्ट देता है। सो सॉरी बेटा, जो ग्रीन कलर का बड की स्टेज में जो फ्लावर को सपोर्ट देता है वो होता है कैलिक्स।
पंखुड़िया कलरफुल कलरफुल दैट इज कोरोला। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है सुंदर सुंदर रंग बना के ताकि पॉलिनेशन करने आ जाए, है ना। एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन का बना होता है, स्टेमन में ही तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, एंथर वगैरह स्पोरेंजिया वगैरह। गाइनोशियम क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, इनर मोस्ट वर्ल होती है, कार्पल की बनी होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होती है ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। चलो फ्लोरल डायग्राम्स बनाने थे, किसके बनाने थे पता है? ये सभी क्या है, ऑलरेडी एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो कभी नीट में तो ऐसा नहीं बोलेंगे फ्लोरल डायग्राम बनाओ, पर हमको डिकोड करना ज़रूर आ जाना चाहिए ना। जैसे कि पांच दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ऐसे काउंट करके वर्ल के अकॉर्डिंग कि सबसे बाहर वाला कैलिक्स है ना, तो दिख रहा है क्या? पांच, हाँ दिख रहा है। कोरोला दिख रहा है क्या? पांच, हाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर आ जाएंगे एंड्रोशियम, 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम दिख रहा है, 5 गाइनोशियम दिख रही है, 2 दिख रही है, फ्यूज्ड दिख रही है। ऐसे हमको थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए, सिमेट्री आ जाना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक है। इधर भी आपको जैसे दिखेगा ना, ये कैलिक्स तो हो गए 5, फॉर्मूला देखो कैलिक्स। फिर कोरोला अपन को देखते आना चाहिए, इससे हमको एस्टिवेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये अंदर वाली काउंट कर लो कितनी हो गई, ये सब एंड्रोशियम हो गई 10 और बीच में ये एक हो गई गाइनोशियम। ठीक है, ये गाइनोशियम का ही सुपीरियर इन्फीरियर और सिमेट्री रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5 कोरोला, 10 होगी एंड्रोशियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड्रोशियम। और ये देखो कि ये गाइनोशियम है और ये 5 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है। तो इस हिसाब से हम फ्लोरल फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट की लीव्स में मिलता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन मिलता है, पर आपको तो पता ही है कि बायोलॉजी एक साइंस है जिसमें सिर्फ एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो एक्सेप्शन बताओ। तो एक्सेप्शंस ऐसे बता सकते हैं कि जो एक प्लांट होता है स्मिलैक्स, ठीक है, एंड डायोस्कोरिया, ये मोनोकॉट्स हैं पर इनमें रेटिकुलेट वेनेशन है, और कैलोफाइलम और इंजियम ये डाइकॉट है जिसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन है। तो ये क्या हो गए, एक टाइप से एक्सेप्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक निपेंथिस नाम का एक प्लांट होता है जिसे पिचर प्लांट बोला जाता है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना, ये इंसेक्ट को खाने का काम करता है। ठीक है, तो ये मार्शी एरियाज में ही होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो पिचर जैसा शेप बना है, एक लोटे जैसा शेप बना है, ये कौन से प्लांट के पार्ट से बनता है, और दूसरी बात ये कि ये कैसे हेल्प करता है प्लांट को खाने के लिए, क्या ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है? तो पिचर प्लांट फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता है ग्रीन प्लांट की तरह, तो इसकी फूड के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं ऐसे और फिर फोटोसिंथेसाइज नहीं हो पा रही है फोटोसिंथेसिस, तो वो इंसेक्ट को खा के ही अपने नाइट्रोजन की कमी उसमें बहुत पाई जाती है, इस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जो पिचर होता है वो किससे मॉडिफाई होता है? लीफ का जो लमाइना होता है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है पिचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलो अब अगले पे आ जाओ। मैंगो और कोकोनट को ड्रूप बोला जाता है। मैंगो के फ्लैशी जो होता है ना मीजोकार्प, वो एडिबल होता है। तो ये एडिबल पार्ट क्या है, कोकोनट का क्या है एडिबल पार्ट है, जो कोकोनट वाटर है या जो मिल्क जैसा है कोकोनट का वो क्या है, सभी चीज़ें बताओ। तो जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म, और सीड भी खाते हैं, और जो वो कोकोनट वाटर है ना, मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, ये याद रखना, बहुत पूछते हैं कि कोकोनट का वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। चलो सेंट्रल प्लेसेंटेशन में और एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या डिफरेंस है? तो जब प्लेसेंटा एक्सियल होता है, और ओव्यूल कैसे होते हैं बेटा,
मल्टी लोक्यूलर ओवरी में अटैच होते हैं, मतलब सेप्टा एब्सेंट हो रहा है। नहीं, सेप्टा एब्सेंट तो फ्री सेंट्रल में होता है बेटा, है ना। यहाँ पे तो प्लेसेंटा एक्सियल है और ओव्यूल मल्टी लोक्यूलर ओवरी में, जैसे कि चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। फ्री सेंट्रल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट होगा और सेंट्रल एक्सेस पे होंगे जैसे कि डायंथस एंड प्राइम रोज। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ। टेंड्रिल्स किस में प्रेजेंट है, कौन सा स्टेम टेंड्रिल है, कौन सा लीफ टेंड्रिल है, दोनों हमको बताना है। तो जो कुकुम्बर होती है उसमें जो वो टेंड्रिल्स ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो स्टेम टेंड्रिल है। पीज में क्या होता है, लीफ टेंड्रिल। पम्पकिन में स्टेम टेंड्रिल। ग्रेप वाइन में स्टेम टेंड्रिल और वाटरमेलन में भी स्टेम टेंड्रिल। ये हमको याद रखना है बेटा, किसमें कैसा टेंड्रिल है। यू कैन इवन ऐड दिस इन योर एनसीईआरटीज, है ना, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि अभी नहीं तो एनसीईआरटी में लिख लो। चलो, मेज ग्रेन को फ्रूट बोलते हैं, सीड नहीं बोलते हैं, क्यों। तो मेज एक फ्रूट है, ठीक है, द मेज ग्रेन इज फ्रूट, क्योंकि वो ओवरी से बना है, ठीक है, ओवरी से बना है इसीलिए वो फ्रूट है, सीड नहीं है वो, इसके अंदर ओव्यूल होता है। टेंड्रिल ऑफ ग्रेप वाइन्स आर होमोलोगस टू द टेंड्रिल ऑफ पम्पकिन बट एनालॉगस टू पी। तो पहले तुम होमोलोगस और एनालॉगस का अंतर समझो। होमोलोगस का मतलब होता है कि ओरिजिन सेम है, सेम चीज से बने हैं, है ना, स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन क्या है, डिफरेंट। एनालॉगस में क्या हो जाता है बेटा, एनालॉगस में ओरिजिन डिफरेंट है ना, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पर सेम हो जाते हैं। तो जो टेंड्रिल है ग्रेप वाइन का, है ना, वो होमोलोगस है टू द टेंड्रिल ऑफ पम्पकिन बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द स्टेम, ओरिजिन सेम, स्टेम है, दोनों के फंक्शन अलग हो सकते हैं। ग्रेप वाइन चढ़ रहा है और पम्पकिन नीचे ही है, ठीक है। ग्रेप वाइन में फंक्शन ऑफ टेंड्रिल होता है टू क्लाइम, ऊपर ऊपर जाता है, और पम्पकिन में नीचे ही, ठीक है। राइजोम ऑफ जिंजर इज लाइक द रूट ऑफ द अदर प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड। जिंजर फिर स्टेम क्यों है और रूट क्यों नहीं है, जिंजर इसीलिए स्टेम है क्योंकि उसके पास नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं। जिसके पास नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं वो स्टेम ही होती है। चलो, अब डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रैक्ट क्या है और ब्रैक्टियोल क्या है। तो ब्रैक्ट बेस ऑफ द पेडिसल, ये जो पेडिसल होता है इसके बेस पे प्रेजेंट होता है। ब्रैक्टियोल जो है ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा, पल्विनस और पिटियोल में क्या डिफरेंस है। जब लीफ फुल जाती है, स्वेल हो जाती है, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जब स्वेल हो जाता है वो होता है पल्विनस। पिटियोल क्या होता है, ये तो एक डंडी होती है जो लीफ बेस को लमाइना से कनेक्ट करके रखती है। थर्ड पे आ जाओ, पेडिसल और पेडंकल। पेडिसल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिस पे फ्लावर रखा है। पेडंकल मतलब जिस पे पूरा इनफ्लोरेसेंस, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स रखे। स्पाइक और स्पैडिक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्पाइक ऐसा फ्लावर होता है जो ससाइल है, एक ही जगह पे है, एक पेडंकल पे रहता है, लेकिन स्पैडिक्स के पास क्या होता है, कवर्ड रहता है बाय फ्यू लार्ज ब्रैक्ट कॉल्ड स्पेट्स। स्टेमन एंड स्टेमिनोड में क्या डिफरेंस है। तो स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन बोलते हैं, लेकिन जब स्टेमन स्टराइल हो जाएगा, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहेगा, दैट इज स्टेमिनोड। पोलन और पोलेनियम में क्या डिफरेंस है। तो पोलन क्या हो जाता है बेटा, पोलन हो जाता है फीमेल गैमिटोफाइट, और पोलोनियम क्या हो जाता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन का जो ग्रुप होता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस में ये चीज़ दिखती है। अब सभी फैमिलीज में डिफरेंस लिखना है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में कैसे डिफरेंस लिखना है, तो पहले तो इनकी गाइड, मतलब सारे उसमें लिखो,
इकोनॉमिक जैसे डिफरेंस होता है कि कौन सी ये दाल होती है, ये पोटैटो फैमिली होती है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, फिर तीनों के फ्लोरल फार्मूलाज हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे करके, और तीनों के डायग्राम्स बना बना के हम बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मोनोकार्पलरी ओवरी है या बाय कार्पलरी है या ट्राई कार्पलरी है, ठीक है। ऐसे कर करके हमको इसको चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। चलो स्टेम के मॉडिफिकेशन बताओ फूड स्टोरेज के लिए। तो जब फूड को स्टोर करना है तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है पटैटो की, जिंजर की, टर्मरिक की, ये सब क्या करते हैं फूड को स्टोर करते हैं। टू पे आ जाओ क्लाइंबिंग। स्टेम टेंड्रिल्स जो होते हैं जो डेवलप होते हैं एक्जिलरी बड से, वो कॉइल हो जाते हैं प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि कुकुम्बर पम्पकिन वगैरह में देखा जाता है। प्रोटेक्शन, तो जो ये एक्जिलरी बड्स हैं ये थॉर्न्स बना लेती है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि सिट्रस और बोगनविलिया। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बता दो स्टोलन ऑफसेट्स एंड राइजोम में। तो जो स्टोलन होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, ग्राउंड के नीचे ये स्टेम रहती है, न्यू जगह पे आती है ना, तो जब पुराना प्लांट मर जाता है तब ये न्यू फॉर्म करती है, क्रीपर की तरह चलती रहती है। ऑफसेट्स क्या होते हैं, ये लेटरल ब्रांच होते हैं, साइड वाले ब्रांच होते हैं, इनमें शॉर्ट इंटरनोड्स होगी और हर नोड्स पे रोजेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है, मतलब गुच्छा प्रेजेंट होता है लीफ का, गुच्छा प्रेजेंट होता है रूट का, जैसे कि इकॉर्निया में। राइजोम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो सॉइल सरफेस के ऐसे पैरेलल ग्रो होती है ना, और इसमें एक्जिलरी बर्ड्स वगैरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होती है। अच्छा, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल को क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन बोला जाता है। एस्टिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एस्टिवेशन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि वेलवेट, कि जब पेटल और सेपल एक दूसरे को टच कर रही है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही, वेलवेट, ठीक है। ट्विस्टेड मतलब ऐसे एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर रही है, इसे बोला जाता है ट्विस्टेड। चाइना रोज, लेडी फिंगर। इम्ब्रिकेट मतलब ओवरलैप तो कर रही है पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रही है, दैट इज इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी क्या हो जाएगा, ऐसा कि जैसे पी में और बीन में देखने को मिलता है कि 5 पेटल होती है, एक सबसे बड़ी होती है सी लार्जेस्ट, फिर ये 2 होती है साइड वाली है ना विंग्स, और ये जो नीचे वाली होती है कील। इस टाइप के एस्टिवेशन जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो ये देखने को मिल रहा है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, आ जाइए इधर। क्वेश्चन नंबर 5, ओव्यूल के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं ओवरी के अंदर, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है, ये व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा, पहली चीज। दूसरी हो गई कि अलग अलग डायग्राम से प्लेसेंटा बना के बताओ। तो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल को अटैच करते हैं तो प्लेसेंटा से ही अटैच करते हैं, तो ये होता है प्लेसेंटा। अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि एग्जाइल हो गया, पेराइटल हो गया और फ्री सेंट्रल हो गया, अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं। सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, इसे एक्सप्लेन करो। तो सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है लेकिन ये एक इनफ्लोरेसेंस है जिसे कैपिटुलम बोला जाता है। इसमें जो रिसेप्टेकल होता है जिसके ऊपर फ्लावर होना चाहिए वो फ्लैट होता है, तो बहुत सारी लीव्स उसकी जो है पेटल्स इकट्ठी हो जाती है और वो फ्लोरेट बनाती है, इसीलिए ये फ्लावर नहीं है, ये रे फ्लोरेट्स है। हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है ना रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो हाँ वो फ्लावर नहीं है, वो बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, तुम हाइपोजियल जर्मिनेशन में और एपीजियल जर्मिनेशन में कैसे डिफरेंस करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि कॉटिलिडन्स का और एंडोस्पर्म का क्या रोल है। तो कॉटिलिडन भी रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, एंडोस्पर्म के अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब एपिकोटाइल पहले ग्रो करेगा, तो सिर्फ
प्लूम्यूल पुश होगा सॉइल के बाहर। एपीजीएल का मतलब होता है कि हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करेगा, ठीक है, तो ये कॉटिलेडन को ऊपर पुश करेगा ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, जो सीड होते हैं कुछ प्लांट के जर्मिनेट करते हैं जैसे ही नीचे गिर जाते हैं, है ना, सॉइल में। कुछ कुछ प्लांट में बहुत टाइम बाद जर्मिनेट करते हैं, उनको रेस्ट पीरियड चाहिए होता है बिफोर जर्मिनेशन। तो ये जो रेस्ट पीरियड होता है, इनएक्टिव फेज, जहाँ पर वो ग्रो करता नहीं है, प्लांट बनाता नहीं है, इसे डॉर्मेंसी बोलते हैं। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं डॉर्मेंसी के? तो कभी कभी हार्ड कोट जो सीड होता है ना, सीड का कोट वो हार्ड हो जाता है, वो ब्रेक नहीं करता कि अंदर से एम्ब्रियो निकले। कभी कभी इम्परमिएबल होता है, पानी नहीं आता तो इम्बिविशन ही नहीं होता, तो सीड ही नहीं, मैच्योर ही नहीं है अभी एम्ब्रियो, या तो एब्सिसिक एसिड उसको डॉर्मेंट कर रखा है। ये हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो सीड डॉर्मेंसी है ये ब्रेक हो जाए? तो हम क्या करेंगे कि कुछ केमिकल्स डाल देंगे, है ना, या फिर उसको सीड कोट को ऐसे रब कर देंगे तो क्रैक हो जाएगा, या तो क्या कर देंगे, हीट या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट इसको दे देंगे। तो बेटा इस तरह हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है उसकी पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करी है, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगा है आज का सेशन तो लाइक कर देना बिल्कुल, एंड आज कमेंट कर दो सेशन कंप्लीट होते ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5 कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 करेंगे। मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे इस पूरी क्लास का पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी, है ना, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, अब हम अगला टारगेट है हमारा एनाटॉमी, आखिरी तक जाना है बेटा। कीप योर स्पिरिट्स हाई, ना, कुछ बच्चे तो 5 दिन में लूलू पुलू हो गए हैं, तुम्हें आखिरी तक चलनी है, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, दोनों रेगुलर रहेंगे हम, और नीट में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन के लिए। डू लाइक द सेशंस एंड जितना शेयर कर सकते हो, जितना कर सकते हो।